से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मंजुलाल शर्मा बजट की तैयारियों में जुटे हैं। किसान और कृषि वर्ग के कल्याण के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। सोमवार को सचिवालय के कन्वेंशन हॉल में कृषि बजट पर बैठक, और आपको बता दें कि सोमवार को सीएम की अध्यक्षता में दोपहर 3:30 बजे बैठक प्रस्तावित है। किसान, पशुपालक, डेयरी संघ पदाधिकारी बैठक के लिए आमंत्रित किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। तो सीएम कृषि बजट के लिए किसानों और पशुपालकों से सुझाव लेंगे। कृषि, पशुपालन और डेयरी के अधिकारी जो है वो बैठक में शामिल रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है, जहां पर सीएम मंजुलाल शर्मा जो है बजट की तैयारियों में जुट चुके हैं और इस वर्ग में सभी का ध्यान रखा जाए इस बजट में। इसके लिए देखिए लगातार हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। सीएम कृषि बजट के लिए किसानों और पशुपालकों से सुझाव भी लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट आए हैं। भारत वापस आने के बाद जो है पीएम मोदी ने G7 समिट के हाइलाइट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जहां पीएम ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है, द्विपक्षीय बात की और समिट के आउटरीच सेशन को लेकर के संबोधित कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। दुनिया में मोदी की अप्रूवल रेटिंग क्या है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए मोदी कितना मायने रखते हैं, इसका अंदाजा G7 की बैठक के बाद ली गई इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सेंटर में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की तस्वीर छाई हुई है। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले और इस मुलाकात की सबसे खास तस्वीर मोदी के साथ मेलोनी की सेल्फी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक इटली में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा, और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से मिले और सेमीकंडक्टर तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मिले, जिनके साथ आपसी रिश्तों और कारोबार के बारे में बात हुई। पीएम ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से भी मिले और जॉर्डन के किंग अब्दुल बिन अल हुसैन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से भी मिले। उन्होंने G7 समिट के दौरान एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। G7 समिट के आउटरीच सत्र के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है। जैसे भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के AI मिशन की बात की, जो AI फॉर ऑल यानी सभी के लिए AI पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि AI का इस्तेमाल सभी लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत AI के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर भी दुनिया को संदेश दिया और कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम कर रहा है।
पीएम ने पौधारोपण अभियान से जोड़ने के लिए दुनिया को संदेश दिया, जिसको प्लांट फॉर मदर नाम दिया गया है। यही नहीं, पीएम ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकताओं में रखने का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में 10+2 के छात्र और नीट के परीक्षार्थियों ने आज जम करके बवाल काटा। आपको बता दें कि दिनकर गोल बंगर के पास जो है छात्राओं ने सड़क जाम करके आगजनी की है। 10+2 के छात्राओं का यह आरोप है कि आज उनकी परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के पहले ही परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश को बंद कर दिया गया, जिससे तकरीबन 150 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। दूसरी तरफ नीट के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक होने और जांच सही ढंग से नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार के पटना की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि सेशन लेट होने से जो छात्र है वो यहाँ पर नाराज होते हुए दिखे हैं। पेपर लीक को लेकर के भी ये जम करके हंगामा करते हुए दिखे हैं। तो दिनकर गोलंबर के पास यहां पर सड़क जाम भी किया गया। पुलिस भी देखिए मौके पर पहुंची और यहां पर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी ईओयू ने नीट के 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया है। ईओयू इन 9 छात्रों से पूछताछ में यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर मिला था। बिहार पुलिस को नीट के जले हुए क्वेश्चन पेपर भी मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है, जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों के हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब रटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहां से पेपर बिहार पहुंचा। उधर गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप। गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप।
नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप, अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली, पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है उसको डीओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था, साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे है वो जो पहला 30 का लिस्ट था उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोत्रा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2,30,00,000 रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवा कर नीट पास करवाया जा सके। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अपने अहंकारी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विकास कर रहा है। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं है। देखिए, नेता इंद्रेश कुमार के बदले सुर अहंकारी वाले बयान के बाद यूटर्न। अहंकारी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार की सफाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत नहीं मिलने पर आरएसएस कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा था, लेकिन जैसे ही आरएसएस ने उनके बयान से किनारा किया, बयान को निजी बता दिया, तब से उनके सुर ही बदल गए। अब इंद्रेश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है, जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। इससे पहले आरएसएस नेता के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया। यही नहीं, इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए विपक्ष को राम विरोधी बताया था। उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक इन्होंने नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति के अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बात थी जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा है तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका आकल्याण अपने आप है, प्रभु ने भी कहा। बीजेपी के खिलाफ अहंकारी वाला बयान देने वाले इंद्रेश कुमार आरएसएस के कार्यकारिणी मेंबर हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख भी हैं। एक सर्वे के मुताबिक आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने दावा किया था कि देश के कुछ प्रतिशत मुस्लिम मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उसके अनुरूप नहीं आए, जिसके बाद इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। और जैसे ही आरएसएस नेता ने बीजेपी पर सवाल उठाए, फौरन श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सामने आए और इंद्रेश कुमार पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो, ऐसा प्रयास करते रहे, लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। उधर
बीजेपी का बयान भी सामने आया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी को उतनी सीटें मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। देखिए अब ये तो ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का तीन चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। इंद्रेश कुमार और उनसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से विपक्ष की खुशी बढ़ गई। विपक्ष के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी में जितनी दूरियां होंगी बीजेपी उतनी ही कमजोर होगी। भाजपा में अहंकार आ गया था, चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, सकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है और अब बेटे ने अपनी माँ का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और माँ ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान से विपक्ष की खुशी भी कुछ ही देर में खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। वहां पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के घर से पुलिस को 11 बैग में 14,58,00,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। साथ ही 7 किलो चांदी, बड़ी तादाद में 7 देशों की करेंसी मिली है। देखिए उज्जैन में सट्टेबाजों पर सबसे बड़ा एक्शन, बिल्डर के घर रेट मिला करोड़ों का कैश, सट्टेबाजी की एजेंसी मिली 7 देशों की करेंसी, 14,58,00,000 कैश और 7 किलो चांदी सिल। मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने ये सब बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर और उसके अन्य ठिकानों से जब्त किया है। पुलिस को यहां 14,58,00,000 रुपए कैश मिला है, 7 किलो चांदी की सिल्लियां मिली हैं, यूरो, पाउंड्स, यूएस डॉलर, हंगरी, यूरो सहित 7 देशों की करेंसी मिली है। पुलिस ने यहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। आरोपी बिल्डर पीयूष चोपड़ा फिलहाल फरार है, उसे पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक बिल्डर पीयूष चोपड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खिला रहा है। T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। उज्जैन पुलिस ने यहां सट्टा खेल रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, 1 मैक मिनी, 1 आईपैड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिम, 2 पेन ड्राइव, 2 मेमोरी कार्ड सहित कई उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 1 राजस्थान, 4 पंजाब और 4 नीमच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के संबंधों की भी जांच की जा रही है। 14,58,00,000 रुपीज कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें की पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में हुई। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीस वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो लिम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बैटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। हालांकि मामले का मुख्य आरोपी बिल्डर पीयूष चोपड़ा अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने उसके घर से पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सट्टे का हिसाब किताब जब्त कर लिया है। पुलिस को शक है कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने पीयूष चोपड़ा को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया है।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में अब पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। पीओके में इस वक्त कई चीनी कंपनियां एक्टिव हैं और उनकी मदद से एलओसी के पार मजबूत बंकर बनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी गुट जैश के एक बड़े कमांडर का ऑडियो टेप मिला है और इस टेप में अयोध्या और राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगना मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। ये देश में एनएसजी का छठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है। उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्र अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं जिनको लगाकर के सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालातों को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई। चूंकि आने वाले 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं, लिहाजा वहां के हालातों पर खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की पैनी निगाहें हैं। इस दौरान अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक के दौरान बताया गया कि जम्मू के सांबा बॉर्डर से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ की गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।